हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा स्वागत है। आईफोन 12, आईफोन 11, आईफोन 13 और 10 और 10s मैक्स वाली जो सीरीज़ है उनके लिए एक नया अपडेट रोल किया गया है। और ये जो आईफोन 8 को भी ये अपडेट देखने को मिलेगा। सो जैसे कि भी आप देख सकते हो, ये जो अपडेट है iOS 16.4.1 का ही अपडेट है, लेकिन जस्ट एक सिक्योरिटी अपडेट रिस्पॉन्स है, और वो भी 16.4.1 और उसके आगे ए। इसका मतलब ये है कि इसका एक नया अपडेट भी आएगा जिसका सॉफ्टवेयर वर्जन रहेगा 16.4.1 और स्लैश ब्रैकेट्स में रहेगा बी। ओके, सो जैसे कि भी आप देख सकते हो, इसका जो साइज़ है वो 85 मेगाबाइट्स के आसपास का है। सो आपको जो है इसको अगर डाउनलोड कर रहे होगे तो कम से कम जो है आपको 10 सेकेंड लगेंगे अगर आप नॉर्मल यूज़र भी 4G पर इसको डाउनलोड कर रहे हो। सो जैसे कि भी आप देख सकते हो, डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने से पहले मैंने कुछ चीज़ें स्क्रीनशॉट लेकर रखी थी, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज़, जो कैपेसिटी का आईफोन है, मेरे 128GB वाला मेरा आईफोन है, और ये जो अवेलेबल स्पेस है वो 73GB अभी जो उस टाइम अपडेट करने से पहले अवेलेबल थी। और यहाँ पर इसका जो बिल्ड नंबर है वो 20E252 है। सो अभी यहाँ पर देख सकते हो मॉडर्न फर्मवेयर जो है 3.5502 है। अब चलते हैं सेटिंग्स में एक बार चेक करते हैं। तो मैंने जो है अपडेट कर लिया, आप देख सकते हो 16.4.1 स्लैश ब्रैकेट में है ए। इसका जो मॉडर्न फर्मवेयर है 20E252 जो सेम है ये मॉडर्न फर्मवेयर। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, पहले अवेलेबल स्पेस मेरी थी अवेलेबल 73.48GB, जो इंक्रीज़ होकर हो गई है 75.69GB बिना कुछ डिलीट किए। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल करोगे, 2 से 3-4 GB आपको फ्री देखने को मिल जाएगी बिना कुछ डिलीट किए। ऊपर बढ़ते हैं, मॉडर्न फर्मवेयर है 3.55.02, यहाँ पर भी सेम मॉडर्न फर्मवेयर है। इसका मतलब ये है नेटवर्क से रिगार्डिंग कोई भी कमियाँ नहीं आएंगी, यहाँ कुछ इंप्रूवमेंट अभी नहीं है। सो अब बात करते हैं कुछ बाकी चीज़ों की। जैसे कि भी आप देख सकते हो, आईफोन स्टोरेज में चलते हैं तो यहाँ पर 52.4GB ऑक्यूपाइड है, और पहले मेरी जो स्पेस थी वो ऑक्यूपाइड थी 54.7GB। जो सिस्टम डेटा था वो था 13.23GB का। अब सिस्टम डेटा चेक करते हैं, सिस्टम डेटा कम होकर 11.31GB हो गया है। सो सिस्टम डेटा में से मेरी जो स्पेस है वो फ्री अब स्पेस देखने को मिली है। सो अब बात करते हैं इस अपडेट में कुछ खास फीचर्स जो आए हैं उनकी। सो सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ये एक छोटा सा अपडेट था जो कि एप्पल ने नया सॉफ्टवेयर नंबर ना देते हुए उसके आगे ए लगा दिया है। तो आप इसको सिंपली क्लियर कर दो कि ये एक सिंपल सिक्योरिटी अपडेट है, और आप इसको डिलीट भी कर सकते हो अपनी इच्छा से। आपको जाना है जनरल में, आपको जाना है अबाउट में, यहाँ पर आपको iOS वर्जन के ऊपर क्लिक करना है, और रिमूव सिक्योरिटी रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये अपडेट जो है, छोटा सा जो सिक्योरिटी रिस्पॉन्स है, ये डिलीट भी हो जाएगा। सो आपको जो है अगर अपने आईफोन को वापस पुराने वर्जन पर करना है, अगर आपका आईफोन इशू प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो अपडेट है ये एक जस्ट सिक्योरिटी अपडेट है, इसमें आपको कुछ भी खास नया देखने को नहीं मिलेगा। मोर ओवर अगर आपको इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिलीट कर लो, या फिर अगर आपको ये अपडेट इंस्टॉल करने के वक्त प्रॉब्लम आ रही है तो नो इशूज, आप अकेले नहीं हो। मुझे भी ये इशू आया था, नेटवर्क इशू या अपडेट कैन नॉट बी वेरीफाइड, सो ये इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो इस तरह का जो पॉपअप शो होगा उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आप अकेले नहीं हो कि ये आपको प्रॉब्लम आएगी। अब एप्पल ने 48 आवर्स के अंदर अंदर इस चीज़ को फिक्स करने के लिए भी अपना जो है क्लेम किया है। सो आप जो है फिक्र ना करो, अगर आपको ये इंस्टॉल करना है, अगर आपसे हो रहा है तो आप अपने आईफोन में कर सकते हो, अगर नहीं हो रहा तो कोई इशू वाली बात नहीं है। सो ये था एक जस्ट आईफोन 12 का छोटा सा नया अपडेट का रिव्यू। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।